बात करेंगे देवभूमि में चल रही चारधाम यात्रा की। देखिए, चारधाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या रोज नए नए रिकॉर्ड कीर्तिमान बना रही है। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा के लिए आने वाले कुछ समय में श्रद्धालुओं की संख्या का आंकड़ा 3 लाख के पार अब हो चुका है। टोटल अगर हम देखें तो चारधाम यात्रा के लिए देश के कोने कोने से लोग जो हैं वो वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें विदेशी सैलानी भी शामिल है। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड की जा रही है। अचानक उम्मीद से ज्यादा भीड़ बढ़ने से शुरुआत के कुछ दिन अव्यवस्था जरूर देखने को मिली, मगर अब सब कुछ ठीक नजर आ रहा है क्योंकि बढ़ती भीड़ पर काबू पाने के लिए शासन प्रशासन ने कई रणनीति धरातल पर उतार दी है। उनको भी समझ में आ रहा है कि जबरदस्त भीड़ है, यात्रियों की सुविधा के साथ साथ सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि कई जगह पर यात्रा मार्ग सकरे हैं, ऐसे में भीड़ बढ़ने पर यात्रियों के जत्थों को कुछ घंटों के लिए रोक दिया जा रहा है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन यात्रियों को संयम बरतने और अपनी बारी का इंतजार करने की नसीहत लगातार दे रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग तरीकों से मौसम और हर जरूरी जानकारी भक्तों तक पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे यमुनोत्री से गंगोत्री की तरफ कई जगह पर रास्ते तंग हैं, ऐसे में वहां पर धीरे धीरे श्रद्धालुओं को आगे भेजा जा रहा है। अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 75% या लगभग डबल की संख्या में हमारे श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां होती हैं। एक व्यवस्था का एक सिस्टम होता है, एक हम अपना एंटिसिपेट करके चलते हैं कितने यात्री आएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने, जैसे मैंने कल ही केदारनाथ जी की और बद्रीनाथ जी की विजिट की, वहाँ की यात्रा पूर्णतया स्मूथ चल रही है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। संख्या आपके सामने है और आप देख रहे हैं। कदाचित इसी कारण से जब यमुनोत्री से चारधाम के लिए गंगोत्री की तरफ लोग जब मूव किए तो वहाँ पर कुछ यात्रियों को होल्ड करना पड़ा। हम लोगों ने होल्डिंग स्टेशंस भी बनाए हैं, जैसे वहाँ का रामलीला मैदान है उत्तरकाशी का, इसी तरह से आप अगर ऊपर से जो लौट रहे हैं उनके लिए सूखी टाप पर बनाया गया है। सड़क आपको पता है कि थोड़ा सिंगल रोड है गंगनानी के आगे, इसलिए गेट सिस्टम वहाँ पर लागू किया गया है और उसका भी डिटेल आपको अभी सब दे दिया जाएगा कि कितने कितने घंटे की को होल्ड किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नंबर ऑफ वीडियोस भी शेयर किए गए हैं जहां यात्रियों को खाने पीने की सारी सुविधा प्रदान की जा रही है। कुछ टॉयलेट्स बढ़ाने के लिए भी निर्देश अभी दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोशिश तो यही की है जाहिर तौर पर कि सभी को आसानी से दर्शन हो जाए। सुरक्षा और सुविधा दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में वो लोग भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन के दौरान जून की तारीख दी गई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से रजिस्ट्रेशन के दौरान दी गई तारीख पर ही आने की अपील की। महत्वपूर्ण है कि यात्रियों की सुरक्षा, कि किसी भी तरह से जब यहाँ हमारी देवभूमि में हमारा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी संख्या में यात्री आए हैं तो उनको दर्शन कराकर सुरक्षित पहुंचाना भी प्रशासन का और सरकार का ये दायित्व है। इसको ध्यान में रखकर उनको थोड़ा होल्ड भी किया जा रहा है और जो बेस्ट सुविधाएं प्रशासन की तरफ से दी जा सकती हैं वो देने का प्रयास किया जा रहा है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जब हमारा प्रारंभ हुआ तो उसमें किसी को डेट 20 मई की मिल रही, 21 मई की, 22 मई की, इस तरह से मिल रही हैं। जैसे जैसे डेट बढ़ती जा रही हैं, ये फीडबैक आया कि उन लोगों ने भी जिनको 20, 21, 22 की रजिस्ट्रेशन थे उन्होंने भी यात्रा 11 तारीख से ही प्रारंभ कर दी। तो हमारे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के यात्री थे उसके साथ साथ जो ये ऑफलाइन वाले आए इनकी भी संख्या जुड़ गई, गाड़ियां भी इनके साथ जुड़ गई। ये एक विषय प्रकाश में आया है, इसके लिए आज निर्देश दिए गए हैं कि हमारे जो RTO हैं डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के जो SDM हैं और पुलिस, ये रैंडम बेसिस पर और जगह जगह पर इसकी चेकिंग भी करेंगे। चेकिंग इस तरह से करेंगे कि हमारी ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित ना हो, क्योंकि ये सिस्टम लागू किया गया है कि अगर एक बस में 32 यात्री सवारी कर रहे हैं तो एक ट्रिप कार्ड जारी होता है और एक ग्रुप लीडर होता है जिसके पास उस 32 यात्रियों की रजिस्ट्रेशन की स्लिप होती है, वही एक जाकर दिखा देता है। तो ये कहा गया एक बार आप तुरंत देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि जिनको 27-28 मई या जून का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मिला है वो आज ही की तारीख में लेकर निकल जा रहे हैं। इसकी वजह से भी थोड़ी संख्या में वृद्धि हुई है।